नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की टीम आ पहुंची है अंडमान में और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इस आधे घंटे की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको रूबरू कराएंगे उस समुद्री खजाने से जो कि मनुष्य के फूड चेन के लिए एक बड़ी अहम भूमिका निभाती है और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी हम जानकारी देंगे। जब भी हम काला पानी के बारे में सोचते हैं या नाम लेते हैं तो हमारे जहन में जिस जगह की तस्वीर आती है वो जगह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हालांकि अब अंडमान निकोबार बिल्कुल बदल चुका है। समुद्र के बीच और मनभावक छोटे छोटे द्वीप बरबस ही हमें वहां खींच ले जाते हैं। आज अंडमान द्वीप समूह भारत के सबसे लोकप्रिय द्वीप समूहों में से एक है और हो भी क्यों ना, यहाँ समंदर में छिपी संपदा का अकूत भंडार है। लगभग 527 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है अंडमान निकोबार। समुद्री जीवों से मुलाकात की इच्छा हो तो बस जरूरत है एक डुबकी भर लगाने की। डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री कछुए, समुद्री सांप, मूंगा और प्रवाल इस अपार संपदा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनका योगदान यहीं तक सीमित नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल में भी ये जीव बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही मनोरम दृश्यों को कैद करने और इनकी जानकारी साझा करने के लिए राज्यसभा टीवी की टीम निकल पड़ी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और हमारी टीम को साथ मिला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम का, जिन्होंने पूरे ट्रिप में हमें गाइड किया। इस रोमांचकारी ट्रिप के लिए हम सभी बहुत उत्साहित थे और जैसे जैसे हमारी मंजिल पास आती गई हमारी उत्सुकता और बढ़ती गई। यात्रा के दौरान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने हमें कुछ अंडर वाटर टिप्स भी दिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि पानी के अंदर की दुनिया को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। समुद्र के नीचे जाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं जिन्हें हमें पालन करना होता है। इससे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर गौतम। मिस्टर गौतम, आप क्या जानकारी दे सकते हैं हमें, जो अब नीचे जाते हैं समुद्र में तो हमें किन नियमों का, गाइडलाइंस का ध्यान रखना होता है? जो कोरल रीफ्स है दे आर द मोस्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव इकोसिस्टम्स ऑफ द अर्थ, दे कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। सो व्हेन वी आर, कोरल इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। इसलिए जब भी हम सर्वे के लिए जाते हैं तो हमें प्रॉपर प्रोटोकॉल ध्यान में रखने होते हैं ताकि इसका डेलिकेट बैलेंस ना बिगड़े, जैसे कि कोरल को छूना, डिसलोकेट करना इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। टचिंग ऑफ द कोरल रीफ्स, डिसलोकेटिंग अ स्पीशीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैन कॉज अनइमेजिनेबल एंड इन्यूमरेबल इकोलॉजिकल इंबैलेंस। समंदर के अंदर जाना हो तो ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी ही,
तो बोट से निकलते ही हमने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ रख लिए, क्योंकि अंडर वाटर साम्राज्य को देखने के लिए ये हमारा सबसे जरूरी सामान था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमें स्कूबा डाइव सूट दिए। साथ में कुछ सावधानियां और साइन लैंग्वेज यानी इशारों वाली भाषा भी बताई, जिसका इस्तेमाल हमें पानी के अंदर रहते हुए करना था। Are you okay? I said I'm okay. Should be not like this. Dil khol ke, I'm fine. Fine. Aisa. Okay. I'm fine. Theek. So like what you were saying should be communicated. Yeah, should be communicated to me. So not like not this. Not like this. Okay. Confident. Aisa. I'm fine. One hand. I'm like two. I'm okay. Two. और बस हम सब तैयार थे, जिसके लिए मेरी कैमरा टीम भी बहुत उत्सुक थी, क्योंकि कैमरे के पीछे रहने वाले शायद पहली बार कैमरे के सामने आने जा रहे थे। ये उत्सुकता हम सभी को देखते ही पता चल रही थी। अभी आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये अंडर वाटर कैमरा है और ये ZSI का है, और पूरी टीम जो हमारे साथ है वो ZSI की भी है और हमारी राज्यसभा टीम की है, और ZSI की टीम इसको पूरा हैंडल करेगी और अंदर के जो समुद्री खजाना है वो इसमें पूरा कैप्चर होगा। तो चलिए चलते हैं। तो बस फिर क्या था, हम सब हो गए थे डाइव के लिए पूरी तरह से तैयार, समुद्री जीवन और कोरल को देखने के लिए। जब हम पानी के अंदर उतरे तो वहाँ के नजारे ने हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बार देखकर लगा मानो कि हम खूबसूरत रंग बिरंगे पौधों के बीच हैं, लेकिन वास्तविकता में ये जानवर की श्रेणी में आते हैं। ये जानकारी पहले से ही हमारी यात्रा के दौरान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमें दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि कोरल समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, और जब कोई मूंगा यानी कोरल मर जाता है तो उसके ऊपर दूसरा मूंगा अपना खोल बनाने लग जाता है। इसके कारण कुछ समय बाद एक के ऊपर एक कोरल का एक चट्टान बनना शुरू हो जाता है। इसे प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, यानी कोरल रीफ। मूंगे की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवधारी ऐसी विशाल और जटिल भौतिक संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिनमें दुनिया के बेहद आकर्षक पेड़ पौधे और जीव निवास करते हैं। हमारा मन तो कर रहा था कि बस किसी तरह इसे छू लें, लेकिन हमारा गाइड स्पर्श नहीं करने के लिए सावधानी बरतने का इशारा कर हमें रोकते हैं। हमारे गाइड ने हमें थोड़ा आगे जाने को कहा, जहां नजारा देखने वाला था। रंगीन सजावटी मछली, शार्क, कछुए, डॉल्फिन, केकड़े, कीड़े,
स्टारफिश, लॉबस्टर और ये सब भी असली समुद्र के पानी के अंदर। हमारी पूरी टीम इस अद्भुत नजारे का पूरा आनंद ले रही थी। साथ ही साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हमसे बार बार साइन लैंग्वेज में पूछ रही थी कि सब कुछ ओके तो है ना। हम सभी आनंद और रोमांच के सागर में इतनी गहराई से गोते लगा रहे थे कि बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन ये कमबख्त सिलेंडर की ऑक्सीजन धीरे धीरे कम पड़ती जा रही थी। फिर हमारे गाइड का वो बाहर निकलने के लिए इशारों वाला संकेत हमें थोड़ा निराश कर रहा था। लेकिन ये भी तो सच था कि समंदर के अंदर की ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं थी। और सच ये भी है कि हमारी धरती की दुनिया चलती रहे, इसके लिए समंदर की दुनिया भी उतनी ही जरूरी है, ताकि संतुलन बना रहे। और वो वक्त भी आ गया जब हमें अंडर वाटर ट्रेजर को अलविदा कहना ही पड़ा। और बाहर निकलते ही हमारे ये थे रिएक्शन। अमेजिंग, बहुत अद्भुत, ऐसा नज़ारा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत अंग था। बहुत मज़ा आया, हमने तरह तरह का मछलियाँ देखा और उसमें कई तरह तो मछली ऐसा लग रहा था जैसे देखने के बाद डर भी लग रहा था, क्योंकि उसमें कई रेसे भी निकली, रेसे जैसा दिख रहा था। छोटी छोटी से लेके बड़े बड़े मछलियाँ भी हमने देखा, उसमें कोरल भी देखा और तरह तरह का मतलब रेत भी, हमने रेत को भी छुआ, टच किया, एकदम ऐसा लग रहा था कि फुल इंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ जो हमारे जो कलीग हैं वो। और उन्होंने हमें इतना अच्छा गाइड किया कि एक एक चीज एक एक पीस को गाइड किया कि ये पीस देखो, ये पीस देखो, ये पीस देखो। फिर उन्होंने रेत को छूने के लिए भी बोला टच करो। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से थोड़ा बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म से बहुत कलरफुल है। उधर कोरल रीफ का कलर है, उधर फिशेस का कलर इतना रंगीन है। एक तरीके से एक्चुअली हम एक फिश देखा, वो लगभग मोर का फेदर होगा ना, उस तरह से सभी कलर्स का शेडिंग हो रहा था। वहीं पर हमें कुछ टूरिस्ट भी मिले जिनसे हमने जानने की कोशिश की अंडमान में आकर उन्हें कैसा लगा। जितना सोचा था कि थोड़े कम फिशेज और कम कलर्स देखने में का, जितना लोगों ने हाइप किया था अंडमान की एक स्कूबा डाइविंग प्लेस है, हम लोग ने सोचा था बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, तब जब एक्सपीरियंस किया तो सच्ची में लगा कि इट्स अ वर्थ प्लेस कमिंग फॉर स्कूबा डाइविंग। बस अब बारी थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम में जाने की, क्योंकि एक्सपीडिशन के दौरान इकट्ठा किए गए सैंपल्स यहीं रखे जाते हैं ताकि उन पर आगे रिसर्च की जा सके। जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उसके लिए भी ये बहुत कुछ ध्यान रखते हैं, वो कैसे नियम है जब आप कलेक्शन करते हैं? जी, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टू आइडेंटिफाई द स्पीशीज टैक्सोनॉमिकली। एवरी लोकेशन हैज इट्स यूनिक स्पीशीज कंपोजिशन, सो वी नीड टू नो द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। And the species composition differ from place to place significantly. The species which is present in a rocky area may not necessarily be present in a muddy area. So when we are going for a survey, each and every parameter has to be considered. लौटते समय बोट में हमने अपनी रिसर्च करने वाले साथियों से कुछ बातें शेयर की
और कुछ रिसर्चर्स जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते हैं उनसे जाना कि कोरल्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं। कोरल्स जैसे बनाते कोरल रीफ इकोसिस्टम, सो इसमें हमको 25% ऑफ मैरीन एनिमल्स जो है पूरा कोरल रीफ इकोसिस्टम पे डिपेंड होता है और बाकी सारा चालो इंटरटाइडल एंड डीप वाटर में। तो अभी कोरल जो देखा है यहाँ पे नॉर्थ बे में वो सारा पोराइटस कोरल्स बोल्डर कोरल्स बोलता है, और जो फिंगर टाइप का जो आया है वो एक्रोकोरा, और टेबल शेप ऐसी फ्लैट शेप आया था वो टेबल कोरल, वो पत्ती का जैसे लगा वो फोलियस कोरल्स, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कोरल्स है। अंडमान में फिलहाल रिकॉर्ड हुआ 588 स्पीसीज, सो पूरा इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड से बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिपोर्ट हुआ। पूरा इकोसिस्टम कोरल रीफ से अटैच होता है, इवन मैंग्रोव इकोसिस्टम टू कोरल रीफ इकोसिस्टम और सीग्रास इकोसिस्टम टू कोरल रीफ इकोसिस्टम, ऐसी पूरा अटैच होता है, मतलब इंटरलिंक होता है। नवीन, जो हमने अंदर कुछ फिशेस देखी वैरायटीज, एक थॉर्न्स वाली थी, कांटेदार थी, उसके बारे में कुछ बताएं। मैम वो जो आपने स्पाइंस ब्लैक ब्लैक कलर का लॉन्ग स्पाइंस देखा वो एक फाइलम है इकोनोडर्मेटा ग्रुप, उसमें आता है जैसे स्टार फिशेस है, सी अर्चिन्स है, सी कुकुम्बर्स है, तो उसी में जो ग्रुप है आपका सी अर्चिन वो आपने अंडर वाटर अभी देखा, जिसका जो क्या नाम है जो इडेबल है, बट इंडिया में उसको नहीं खाया जाता है, बट अदर कंट्रीज में सम कंट्रीज है इंडोनेशिया चाइना थाईलैंड ये कंट्रीज उसको मतलब खाते भी है। और आपने सी कुकुम्बर के बारे में सुना होगा, नॉर्मली वो अपने इंडिया में वैन है पूरा टोटल, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में वैन नहीं है क्योंकि उसका मेडिसिनल वैल्यू और क्या नाम है इकोनॉमिकल मार्केटेबल वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा है। समुद्री जीव जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं और अदर जीवों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो इसलिए उसको उसके अंदर जो जितना भी आपका सी कुकुम्बर्स है सबको अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत उसको वैन कर दिया गया है। अप्रॉक्सीमेट ये 180 प्रजातियाँ इंडिया में हैं जिसको वैन किया गया है। थैंक यू। तो अभी तक आपने देखा कि अंडर वाटर डाइविंग में हमने कितनी खूबसूरत मछलियाँ, कोरल्स, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, और ख़ासकर जो अंडर वाटर जो जानवर रहते हैं उनके लिए भी। तो आगे हम चलते हैं, किस तरीके से जो ZSI के जो वैज्ञानिक हैं वो किस तरीके से सैम्पलिंग करते हैं और इनकी जो खोज है वो किन के ऊपर होती है और क्यों होती है। ब्रेक के बाद हम इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संग्रहालय है। अनुसंधान वैज्ञानिकों और जियोलॉजी के छात्रों को ये संग्रहालय बहुत जानकारी पूर्ण लगेगा। पानी के नीचे के समुद्री जीवों के शोध के अलावा संग्रहालय में विभिन्न सरीसृपों, छिपकलियों, तितलियों, बीटल, स्पंज, कोरल के स्पेसिमेन को यहाँ रखा जाता है। और यही नहीं, इस संग्रहालय में विभिन्न रंगों और पैटर्न की तितलियां हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियों, आकारों और डिजाइनों के साथ कोरल का अनूठा संग्रह किसी भी प्रकृति प्रेमी को रोमांचित करेगा। अंडमान में ऐसे ऐसे जो खूबसूरत चीज़ें जो हम सिर्फ टीवी में देखते थे या जो आजकल लुप्त हो चुकी हैं उनको यहाँ देखने का मौका मिला। और मेरा सबके लिए यही संदेश है कि एक बार यहाँ अगर अंडमान की खूबसूरती देखनी है तो यहाँ के म्यूजियम्स को ज़रूर एक बार आएं और एक्चुअल में देखें कि कैसी चीज़ें थी, क्या जहाँ के पत्थर, जहाँ के जो फिश की वैराइटीज़ जो है वो आपको ज़रूर आके देखनी चाहिए। जो समुंदर में इतना कुछ है जो निकाल के इन्होंने बहुत बढ़िया सजावट से बहुत सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ रखा गया है, और आप आपको जैसे आप अंदर आओगे ना आप एकदम ना बागो बाग हो जाओगे, क्या बात है यार, इतना कुछ देखने को, इतना साफ, इतना सुंदर। और जो आप समुंदर में जिसको तैरना नहीं आता, जो कभी समुंदर में गया नहीं है, वो आगे फर्स्ट टाइम आगे यहाँ देखे और उसको ये सब वैरायटी, जितनी वैरायटी है मुझे लगता है आपको ये सब वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी।
हमने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संग्रहालय के प्रमुख डॉक्टर सी सेवा पेरुमन से कुछ और जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने बताया कि 2010 में भारत में सबसे खराब कोरल ब्लीचिंग का अनुभव किया था, जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 70% से ज्यादा कोरल्स को नुकसान हुआ था। उन्होंने ये भी बताया कि प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे कि तूफानों और कटाव से तटीय क्षेत्रों की रक्षा, स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना और मनोरंजन के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देना। वो भोजन और नई दवाओं का भी एक स्रोत है। आधी अरब से अधिक आबादी भोजन, आय और सुरक्षा के लिए भित्तियों पर निर्भर है। So this coral reef ecosystem is a underwater ecosystem, and this coral reef built by colony of polyps, and which is used to different type of calcium carbonate. And this coral reef ecosystem is a very important ecosystem in the marine environment. कोरल रीफ इकोसिस्टम एक पानी के भीतर का इकोसिस्टम है, और ये जो कोरल रीफ है ये कॉलोनी ऑफ पॉलिप्स से बनता है। हम लोग इसे अपने रिसर्च के लिए कलेक्ट करते हैं, और अगर आप आम आदमी हैं तो आप इन्हें छू नहीं सकते, क्योंकि इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सुरक्षित किया गया है। सो वी हैव सर्टेन लिमिटेशन टू कलेक्ट द कोरल to study purpose and for preserve for our future generation. उन्होंने ये भी बताया कि दुर्भाग्य से प्रवाल भित्तियों को उनके निरंतर अस्तित्व के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। मछली पकड़ने की विनाशकारी प्रथाओं, प्रदूषण और आक्रामक प्रजातियों से आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानीय प्रवाल भित्तियों को खतरा होता है। जलवायु परिवर्तन और समुद्र के अम्लीकरण से दुनिया भर के सभी प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने की आशंका बढ़ जाती है। ये भी जानकारी मिली कि कोरल्स के बचाव और उन पर अध्ययन और शोध के लिए जल्द ही एक नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है, कि क्या कोई गवर्नमेंट अनाउंस की है इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए? या दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। सी द बेस्ड ऑन द रियलाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कोरल रीफ इकोसिस्टम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार ने कोरल के महत्व को समझते हुए एक नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने जा रही है, और कुछ ही सालों में इस इंस्टीट्यूट के बनने की उम्मीदें भी हैं। And recently, ministry in principle agreed they wanted to have separate setup to assess and study the coral reef ecosystem of our entire country. There are four major coral reef ecosystem in our country. One is Andaman Nicobar Island, Lakshadweep Island, Gulf of Kutch, Gulf of Mannar. And there are 628 species of coral reported from our country, but more than 570 species reported from Andaman Nicobar Islands. So this availability of a coral reef and also importance of coral reef ecosystem, the ministry wanted set up in Andaman Nicobar Islands under the aegis of Zoological Survey of India. We have to thank for our director Dr. Kailash Chandra to pursuing this matter in the ministry to bringing a separate setup, and we are in the almost middle stage. वहीं म्यूजियम में हमारे निकोबार के निवासी से बात हुई, जो इसी संग्रहालय में काम भी करते हैं। उन्होंने हमें एक बड़ी दिलचस्प बात बताई। ये बात प्रकृति के सम्मान से जुड़ी थी। यहाँ के लोग हफ्ते में एक दिन प्रकृति से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सम्मान के साथ साथ ये प्रकृति के संरक्षण का बेमिसाल उदाहरण है। योलचा ने मताई ने तसी हेतो है हां अदा तक ने था ने रीफा आल नलचवा आल कमले। हम एक हफ्ते में एक दिन
प्रकृति को सम्मान देते हैं, जैसे समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। हफ्ते में एक दिन हमारे गांव से कोई भी आदमी मछली नहीं पकड़ता, अगर वो ऐसा करता है तो उसे सजा दी जाती है। अगर प्रकृति को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया तो उसका उतना ही नुकसान हमें भी भुगतना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इन अनुभवों के साथ ही हमने यहाँ से विदा लिया। यहाँ के आदिवासी प्रकृति के प्रति कितने संवेदनशील हैं, यही सोच हम सब में होनी चाहिए, तभी प्रकृति का संरक्षण संभव है। अंडमान आई है, बहुत बढ़िया जगह है, पूरा वर्ल्ड में जन्नत है। तो देखा आपने, मैं किस समुद्री खजाने की बात कर रही थी? वो समुद्री खजाना जो हमारे जीवन में एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अलविदा कहने से पहले मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ कि जब भी आप इस अंडमान निकोबार आइलैंड में एज अ टूरिस्ट आएँ, इस अपार संपदा को आप नुकसान ना पहुँचाएँ। कैमरा पर्सन डी के पांडे, जितेंद्र नेगी और कैमरा सहायक प्रदीप कुमार के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टेलीविजन।